नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी खबर आई थी, उसके बाद कैसा रिएक्ट करेंगे वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ टेक्निकल बेसिस पे क्लियरली हमें एक चीज दिख रही है, अदानी पावर कुछ बड़े संकेत दे रहा है। और ये मैंने ऐसा नहीं है आज शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ अराउंड 210 और 214 पे था जिस दिन, उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि ये बड़े संकेत दे रहा है, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक, इस पे नजर बना के रखनी है। फ्राइडे के सेशन में 5% के सर्किट पे बंद हुआ है। पहले मैं आपको कल जो एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी वो मैंने वैसे तो वीडियो में शेयर करी थी, बट अगर किसी ने नहीं देखी है तो अभी मैं आपको बता दूं। देखिए, सेबी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिया था हिंडन अदानी बग के केस में कि चेक करो, जांच करो भाई क्या है हकीकत, तो उसके लिए सेबी ने 2 महीने का समय लिया था। इनफैक्ट सेबी को दिया गया था 2 महीने का समय जांच के लिए। 2 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गए हैं, तो सेबी कह रहा है कि अभी तक हमें कोई भी ठोस चीजें नहीं मिली हैं कि इस पूरे मसले पे हम कुछ टिप्पणी कर सकें, इसके लिए हमें और अतिरिक्त वक्त चाहिए। जिस वक्त की डिमांड सेबी ने करी है सुप्रीम कोर्ट से, वो वक्त अभी 6 महीने, यानी कि 6 महीने और एडिशनल टाइम मांगा है सेबी ने। इनफैक्ट ये भी कहा है कि ऑलमोस्ट 15 महीने तक का समय लग सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने में इसको कंप्लीट कर लें। तो अब ये जांच और लंबी चलने वाली है। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है वी डोंट नो, बट हाँ स्टॉक के रिएक्शन नहीं पता है। अगर रिएक्शन कुछ नहीं आता है तो ये स्टॉक पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिएक्शन आता है तो सुपर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव रिएक्शन आता है तो भी इस स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अदानी पावर की बात करें तो इस स्टॉक में पहले मैं बताता हूं कि हुआ क्या है एक्चुअली में, और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। इस स्टॉक में वन साइडेड जो गिरावट है वो 438 से आ रही थी, और धीरे धीरे स्टॉक आ रहा था अराउंड 280-300 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आया अदानी हिंडनबर्ग केस, जहां पे हिंडनबर्ग ने इन पे बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद स्टॉक टूटा काफी हैवीली। जब टूटा स्टॉक और उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया 100 अराउंड, मैं एग्जैक्ट लेवल्स पे बताता हूं आपको, 132 रुपीस का फरवरी मंथ में। उसके बाद रिकवरी आई और रिकवरी में स्टॉक ने हाई लगाया, नेक्स्ट मंथ जो रिकवरी थी वो एग्जैक्टली 217 थी, जो कि उससे प्रीवियस मंथ फरवरी का जो हाई था वो 223 था, यानी कि उसके हाईस के आसपास पहुंचा और वहीं पे स्टॉक ने हाई लगाया बट ऊपर नहीं निकला। और क्लोजिंग उस महीने यानी मार्च मंथ में नेक्स्ट महीने स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी वो 191 पे दी, लेकिन स्टॉक ने हाई 217 का लगाया, क्लोजिंग आते आते स्टॉक नीचे आ गया था और 191 पे क्लोजिंग हो गई। यानी कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो दोबारा रिपीट करता हूँ सिंपल भाषा में, फरवरी में स्टॉक ने लो लगाया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 132 का फरवरी मंथ में, जब हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया उसके बाद स्टॉक गिरा और लो लगाया 132 रुपीस का, और फरवरी मंथ का हाई था 223, यानी 223 से गिरा 134 रुपए तक। अगले महीने मार्च में जब वो केस शांत हुआ, थोड़ा ठंडा पड़ा, स्टॉक ने रिकवरी दी और रिकवरी में 217 रुपए का हाई लगाया। मार्च महीने में गिरा था 223 से और हाई लगा 217 का, यानी कि वो हाई ब्रेक नहीं हुआ बट उसके ऊपर तक गया। बट इस महीने ना ये हाई था, क्लोजिंग जो आई वो 191 की आई, यानी मंथ के एंड में स्टॉक 191 पे था, ऊपर से नीचे आ गया। अगले महीने यानी कि मार्च के बाद अप्रैल जो चल रहा है, अप्रैल में स्टॉक की स्टार्टिंग हुई 195 से, जो कि क्लोजिंग 191 की थी, तो अप्रैल में 195 से स्टार्ट हुआ, हाई लगाया 224.85 का जो अभी का प्राइस है, यानी कि मंथ हाई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और जो आपके लिए फरवरी मंथ में जहां से गिरावट हुई थी स्टार्ट, वो 223 था, यानी कि उसके ऊपर निकल रहा है। अब इस स्टॉक में लेवल क्या है, जनवरी महीने का अगर मैं हाई देखता हूं तो वो 304 रुपए का है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज जो विजिबल हो रही है वो है स्टॉक में आपके लिए ऑलमोस्ट जो लेवल्स आ सकते हैं वो 260 रुपीज तक के लेवल, मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है आते हुए दिख सकते हैं आपको इस स्टॉक में, जिसके पीछे के रीजन है बड़े लेवल्स पे बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, जो भी कंसोलिडेशन था उसमें फ्रेश बाइंग और फ्रेश तेजी बन रही है, फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यानी कि लोगों ने नीचे खरीदा जिसने, ऊपर उन्होंने बेच दिया होगा, फ्रेश बाइंग सेलिंग चल रही है, वहां काफी देर सस्टेन करा एंड अब ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, तो ये स्टॉक मुझे रडार पे रखना है। अब इस बीच में जो ये कल रिपोर्ट आई है इसके बीच में अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है तो हमें एक स्टॉप लॉस भी चाहिए होगा, वो स्टॉप लॉस क्या बन रहा है वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। 205 रुपीज का आपके लिए छोटा स्टॉप लॉस है और एग्जैक्टली अगर आप पूछे तो 185 का, जो कि बहुत लंबा है। तो आप लोग 205 रुपीज के SL से इस स्टॉक को होल्ड करें जिसके पास भी है, और छोटा चाहते हैं तो और छोटा तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि 25 अप्रैल को ये 205 पे था, फिर आपके लिए 213 पे आया और अभी 224 पे आ गया, सर्किट लग गया फ्राइडे को। तो स्टॉक में मुझे लगता है पोजीशन को मेंटेन करें, अगर इस कल की जो टाइम फ्रेम और मांगा है इसका कुछ नेगेटिव रिएक्शन नहीं आता है तो फिर इस स्टॉक में आपको 260 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
205 का अभी के लिए स्टॉप लॉस है, कल इनकेस और ऊपर चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस आपके लिए बढ़ के 215 का हो जाएगा। कल से मेरा मतलब ट्यूसडे को, कल मार्केट ऑफ है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अदानी पावर के ऊपर वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।